महीने से ऊपर हो चुका है हमें अपने यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए झज्जर में, और इतना टाइम से हम एप्लीकेशन दे रहे हैं सर, जो सरकारी दफ्तरों में 2 साल एप्लीकेशन देते हो गए, कुछ हो नहीं रहा है, हमारा कोई सुनने को तैयार नहीं, किसी को हमारी पीड़ा दिखाई नहीं दे रही है। हमने छोटे लेवल से बड़े लेवल तक हर मिनिस्टर को कंप्लेन कर दिया, पर कोई सुनने को ही तैयार नहीं है। जब यहाँ सारे बच्चे मर जाएंगे तब आएगी क्या सरकार? हम तो देश की सेवा करने के लिए डॉक्टर बनने आए थे, पर लगता है देश को, देश की जनता को, ना देश के मंत्रियों, किसी को हमारी फिक्र नहीं है। यहाँ कोई पढ़ाने के लिए कोई भी नहीं है, तो हम ये कहते हैं कि एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट जो सरकार कॉलेज को जारी करती है उसी के बेस पे, उस रूल के हिसाब से हम कह रहे हैं कि हमें शिफ्ट किया जाए उसमें, क्योंकि लिखा हुआ है ये चीज़ कि बच्चों को शिफ्ट करना चाहिए। हम स्टूडेंट्स ने 2016 में अपने नीट क्वालिफाई किया, हमने प्रॉपर चैनल के थ्रू एडमिशन लिया, हमने देखा सरकार इस कॉलेज की जिम्मेदारी ले रही है, हमने टाइम पे फीस भरी, हमने टाइम पे एग्जाम्स पास किए, ये सब रिपोर्ट्स हमें सब नहीं पता, हमें बस इतना पता है कि हमें क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन क्यों नहीं दी जा रही। यहाँ पर हमारे पूरे कॉलेज में ना तो कोई फैकल्टी है, ना कोई पेशेंट्स हैं, ना कोई ओपीडीज हैं, पढ़ाने के लिए टीचर्स नहीं हैं, मतलब हमारी ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है यहाँ पर पढ़ते हुए, कुछ भी सीखने को नहीं मिल पा रहा है, 10-10 लाख रुपए साल की फ़ीस भर के भी। जब हमारी थर्ड रिन्यूअल थी, जैसे हम अभी थर्ड ईयर में हैं, तो उस हिसाब से इन्होंने लिखा, द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स डिसाइडेड दैट द रिक्वेस्ट ऑफ द ट्रस्ट एंड मेडिकल कॉलेज फॉर ग्रांट ऑफ थर्ड रिन्यूअल ऑफ परमिशन एंड एडमिशन ऑफ 4th MBBS बैच ऑफ स्टूडेंट इज विदाउट मेरिट एंड स्टैंड्स रिजेक्टेड। तो जो हमारा करंट बैच था उसकी रिन्यूअल भी कैंसिल होगी, और जो हमारा फ्रेश एडमिशन जो 4th ईयर के एडमिशन होने थे वो भी बंद हो गए, जिसकी वजह से अब जो हमारी डिग्री पर भी सवाल उठता है, और अगर हम इस कॉलेज से पास आउट होते हैं तो हमें हमारी जो डिग्री वो रिकग्नाइज नहीं होगी। क्या आप इलाज कराएंगे ऐसे डॉक्टर से जिन्होंने पेशेंट तक ना देखे हों, जिनके लिए 4 साल की पढ़ाई होने के बाद एक इंजेक्शन तक जिन्हें ना लगाना आता हो? इकलौता बैच है उसकी भी रिन्यूअल रद्द कर दी गई है, जिसके चलते ना हम आगे हमें अपनी डिग्री मिलेगी, ना ही हम आगे कहीं पे पढ़ाई कर पाएंगे फर्दर, जैसे पीजी हम नहीं कर सकते हैं, ना ही हम अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं कहीं पर। हमारे धरने को 34 दिन हो चुके हैं, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिल रहे हैं, ना कोई समाधान हो रहा है और ना कोई हमारी बात को सुन रहा है।